पका है, इन्होंने आपके बदन में छुआ था? फूपा फूपा। पिताजी की तरफ मत देखिए, सच बोलिए, फूपा ने छुआ था आपको? सच बोलिए, भगवान की कसम खा के सच बोलिए। मैडम को सच सच बताना बेटा, सच सच बताना, ये फूपा ने आपको छुआ था, यहाँ वहाँ हाथ लगाया था, या आपको सिखा के लाया गया है? आपको किसने क्या क्या बोला है बोलने के लिए? हाँ मैडम, पुलिस चौकी में उसने कबूला था खुद ही। इधर उधर मत देखिए, उनको बाहर भेज दीजिए। आप वहाँ बाहर रुको जरा, आप बाहर रुको, वो नहीं जाएगी बाहर, तुम बाहर रुको, उधर खड़े रहो। सबूत देख सस्ता सुधा मैडम, बताना। रुको जरा, बताओ तुम्हारे फूफा ने क्या किया था तुम्हारे साथ में? सच्ची बोलो बेटा, बोलो, कोई नहीं मारेगा आपको, सच बोलो, क्या किया था आपके फूफा ने आपके साथ में? कहाँ हाथ लगाया था? सच बोलो बेटा, आपका नाम क्या है? शगुन। आप कौन से भगवान को मानते हो? कौन से भगवान को मानते हो? कृष्ण भगवान की कसम, आपको सच्ची बोलो, कहाँ छुआ था फूफा ने? ये किसने बोलने बोला? आप अपनी मम्मी को चाहते हो? आपकी माँ मर जाए तो चलेगा? आपकी माँ मर जाए तो चलेगा? देखो अपनी मम्मी की तरफ, देखो अपनी मम्मी की तरफ, देखो। आपकी मम्मी को आपके पापा मारते थे? नहीं मारते थे? यहाँ देखो मेरी आंखें, माँ आपके डाल के, सच कहो, मारते थे ना? इधर आओ मेरे पास, आ जाओ बेटा, आप ही आओ मेरे पास। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चे झूठ नहीं बोलते। इधर आओ बेटा, आपका नाम क्या है? सिद्धि। आप कौन से भगवान को मानते हो? सीताराम को। अभी आपको भगवान सीताराम की कसम सच्ची बोलना, आपके पापा मम्मी को मारते थे? पापा मम्मी को मारते थे? बहुत मारते थे ना मम्मी को? अच्छा, और आपको अभी किसने सिखाया कि मम्मी के साथ नहीं जाना है, पापा के साथ जाना है? किसने बोला ऐसा बोलने के लिए? किसने बोला ऐसे बोलने? कोई नहीं बोला। आपकी मम्मी मर जाएगी तो चलेगा? आप मम्मी से प्यार नहीं करते हो? नहीं करते हो? किसने ऐसा बोला? किसने ऐसे बोलने बोला? कोई नहीं बोला। ये फ्रूटी दिलाया इसलिए? ये फ्रूटी दिलाया इसलिए? हाँ, अच्छा, तो एक फ्रूटी। क्लैप बॉयज, क्लैप बॉयज, क्लैप बॉयज, क्लैप। यानी एक फ्रूटी की बॉटल ने बच्चों को मैनिपुलेट कर दिया। और आप बेटा, आपके तो फूफा ने आपको यहाँ वहाँ उल्टी सीधी जगह पे हाथ लगाया, आपने खुद रो रो कर आपकी आपकी क्या बोलती है, हाँ चाची, चाची को भी बोला था, मम्मी को भी बोला था, और आज आप झूठ बोल रही हो? हाँ बेटा, यहाँ देखो मेरी आंखों में, देखो आप नजरें नीची कर रही हो ना, आप एक लड़की हो ना, आप एक लड़की हो ना, लड़की का सम्मान उसकी आंखों में होता है, और जब वो नजरें झुका के कोई भी चीज़ों को छुपाती है ना, तो उसका मतलब होता है कि वो झूठ बोल रही है। और भगवान की कसम तो बिल्कुल झूठी नहीं खानी चाहिए। अपने पापा को बचाने के लिए झूठी कसम खा रही हो या फूफा को बचाने के लिए? हाँ, गलत बात है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने आज तुम्हारे साथ में गंदी जगह पे तुम्हारे जिस्म में छुआ है, वो पापी है, उसकी उसको सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए ना। उसने आपको छुआ है ना, ऐसा छुआ है ना, है ना, ये सब आपको सिखा के लाया गया है ना, कल से सिखा रहे हैं ना, कल से जब से मैंने बुलाया, क्या बोला आपको घर ले जाके मारेंगे? हाँ, आप रोने के जैसा मुंह क्यों कर रहे हो? हाँ, पुलिस चौकी में उसने सच बताया है, पुलिस स्टेशन में सच बोला था ना, मॉल स्टेशन के बारे में ये भी बोले थे कि बोले पापा ने मुझे ज्यादा छुए, ये भी बताया कि दादी ने मना बताने से, पापा का नाम लेने से मना किए, दादी ने पापा का नाम लेने से मना किया।
फिर बाद में पुलिस वाले ने मेरे को झूठा बोल दिया, बोली फिर इसको सिखा के लेके गए ना दोबारा, तो इसने क्या बोल दिया, मम्मी ने झूठ बोली, तो लोग ने फिर दोबारा बोले कि तुम्हारी बेटी तो कभी बोल के गई कि झूठ बोली, बोली सर अभी पहले भी तो आपके सामने चार जन के सामने उसने कब बोल के गई थी मेरे को पापा ने ऐसा कुछ हुआ। देखो अच्छा, मुंबई रफ्तार न्यूज की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।